हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर एपिसोड ऑफ यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं बैक वर्कआउट। बैक वर्कआउट में मैं मोस्टली फोकसिंग ऑन माय लैट्स एंड मिड बैक के ऊपर उतना फोकस नहीं रहेगा बिकॉज उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है मेरी कैटेगरी के लिए। सो मोस्ट ऑफ द वर्कआउट विल बी फोकस्ड ऑन माय लैट्स। सो लेट्स गो। जिंदगी फटी फटी है तो ये क्या चीज है। तीन बार ये कांच, तीन बार फिक्स करने के बाद तीनों बार टूटी है। और उसके बाद 1 मंथ रुक के वापस ये कांच फिक्स किए। होपफुली अभी वापस कोई तोड़े ना। ओके, सो जस्ट टू ट्रायल एरर। और ये सेटअप एकदम परफेक्ट है, सो आई एम गोइंग टू ऐड 10 more kg। स्मिथ मशीन पे मैं बेंट और रो कर रही हूँ। डंबल पे बहुत इजी है, बट मुझे दोनों डंबल एक साथ बेंट और रो करने से मुझे नेक पे प्रेशर आता है। सो बहुत सारे मेरे जैसे लोग हो गए, उन्हें ये प्रॉब्लम होता होगा। इसके लिए मैं बेंट और रो स्मिथ मशीन पे करती हूँ, बट स्मिथ मशीन पे उतना रेंज आपको नहीं मिलता है बिकॉज ये हैंडल्स सेफ्टी के लिए है, राइट। सो उतना आपको रेंज ऑफ मोशन नहीं होता है। इसके लिए मैंने ये स्टेपअप यूज़ किया है ताकि मेरा रेंज ऑफ मोशन बढ़े और जितना चाहे उतना मैं मेरे लैट्स पे फोकस कर सकूँ। सो वर्कआउट के स्टार्ट में मेरी वीडियोग्राफर ने आशीष ने आउटफिट की तारीफ बहुत कर दी है, तो अभी मुझे मज़ा आ रहा है कि ये ब्लैक आउटफिट वीडियो में बहुत अच्छा दिखने वाला है। देन टू आई डोंट लाइक ब्लैक कलर बिकॉज मम्मी ने बचपन से वो दिमाग में डाला है कि काला कलर नहीं पहनने का अपशकुन होता है, बट नाउडेज इट इज़ अ ट्रेंड कि ब्लैक कलर बहुत ही अच्छा दिखता है। मोस्टली सारे यंगस्टर्स ब्लैक कलर पहनते हैं। आई थिंक यूथ को फॉलो करना चाहिए। सो आई एम ऑल्सो स्टार्टेड वेयरिंग ब्लैक कलर। एवरी टाइम व्हेन आई कम्पीट, मुझे हमेशा जजेस का एक ही फीडबैक मिलता है कि मेरी बैक जो है वो बहुत ही स्ट्रेट है। सो आई हैव अ लॉट ऑफ बैक मसल्स बट वो स्ट्रेट है बिकॉज मैंने कभी स्पेसिफिकली लैट्स पे फोकस नहीं किया। सो अभी माई ओनली फोकस इज टू ग्रो माई लैट्स ताकि वो वी टेपर जो है, जो वी शेप एक्स शेप जो है वो क्रिएट हो जाए। एंड होपफुली इस ग्रोइंग सीजन में, इस ऑफ सीजन में वो मैं गोल अचीव करूँ। सो अभी हम लेंगे डंबल के साथ सिंगल आर्म रो। वो मुझे बहुत अच्छे से वर्क होता है बिकॉज मैं मैक्सिमम पोटेंशियल यूज़ करके सिंगल हैंड से वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाती हूँ। सो अभी डंबल से सिंगल हैंड रो हम लेंगे। बहुत जल्दी पॉडकास्ट शूट करेंगे ताकि मैंने जो मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस गेन किया है रिलेटेड टू लाइफ, रिलेटेड टू बॉडी बिल्डिंग, रिलेटेड टू प्रोफेशनल वर्क एंड मेनी अदर थिंग्स जो स्पेसिफिकली फीमेल्स अपने लाइफ में फेस करती है, उसके बारे में देर आर सो मेनी टॉपिक्स आई रियली वॉन्टेड टू शेयर विथ यू गाइज। और बहुत ही जल्दी एक बहुत ही अच्छे पॉडकास्ट एपिसोड के साथ में आऊँगी।
एक्चुअली थ्रोट पेन हो रहा था मेरा. मे बी मुझे एक जेनेटिकली इश्यू है कि मुझे अगर किसी का झूठा लाइक पानी भी शेयर करते या फिर कोई चीख भी देता है तो मुझे इमिडिएटली सर्दी और खांसी हो जाती. तो शायद मैंने कुछ तो ऐसा कांड किया है विथ माई फ्रेंड्स जिससे मेरा थ्रोट पेन हो रहा है. एंड आई वॉज़ फीलिंग वेरी वेरी लो टूडे. आई वॉज़ अबाउट टू कैंसल माई वर्कआउट बट देन समहाउ आई मस्ट से दैट कि आप लाइफ में क्या फील करते हो वो मैटर नहीं करता है बिकॉज फीलिंग्स हमेशा आपको मेरा ये मानना है कि फीलिंग्स हमेशा आपको पीछे खींचती है. आप कैसे मूव फॉरवर्ड करते हो उस फीलिंग को ओवरकम करके वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड आई थिंक यही फार्मूला मैंने मेरे अपने लाइफ में अप्लाई किया तभी जाके आज मैं इस मुकाम पे हूँ. बहुत कुछ फील होता है पीरियड्स में, क्रैम्प आते हैं, स्टमक पेन होता है, यू आर नॉट एबल टू वेक अप, फील लाइक हैविंग लॉट ऑफ स्वीट्स, स्ट्रेस आता है, बट समहाउ यू हैव टू ओवरकम दैट फीलिंग. समहाउ यू हैव टू मेंटली बी स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. एंड एट द एंड लोग आपकी जर्नी नहीं देखते, आपका एंड पे आप कहाँ पे हो, किस मुकाम पे हो वो आप देखते, बिकॉज जर्नी ऑलवेज अबाउट अप्स एंड डाउन्स, बट आपका एंड में आप कहाँ पे हो वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है. अगर म्यूज़िक प्रॉपर नहीं होती है तो डेफिनेटली कितनी भी एनर्जी हो मैं वर्कआउट नहीं कर पाती. एंड थैंक गॉड, बाय गॉड ग्रेस मेरी अपनी जिम है तो मेरा ये सारा नखरा यहाँ पे झेला जाता है कि मैं अपने हिसाब से अपने पसंदीदा म्यूज़िक लगा सकती हूँ. आई ऑलवेज थैंक माई गॉड कि जो अपॉर्चुनिटी जो लाइफ में मुझे उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया है, आई ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर दैट. चलो राइट, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेट. In a 2 weeks, constant cardio and every day 1.5 or 2 hours workout. I lost almost 2 kg. मैं workout को count नहीं करती weight loss journey में, but cardio को definitely. And अगर आपको weight loss करना है तो you have to go on a deficited calories, and that is the only option you have. You have to control your diet, you have to count your calories, and that is very important. And I have been doing that since last 2 weeks because mujhe aisa lag raha tha ki thoda sa weight mera badh raha hai, and when I start my prep I have to be little tighter, so that's why I started my mini cutting season and I think it's going very well. Let's get some motivation and start your next set. Heavy.
वाटर डेडली प्लेटफॉर्म. 3 साल पहले मैं बहुत डेडलिफ्ट करती थी एंड एज अ गर्ल आई हैव टू लिफ्ट 130 kg एंड फॉर गर्ल इट इज़ अ वेरी लाइक अ मी इट इज़ अ वेरी हैवी वेट बट आई हैव टू लव दैट. बट बहुत सारे कोचेस बहुत सारे जजेस का फीडबैक है कि डेडलिफ्ट एज अ बिकिनी एथलीट डेडलिफ्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज आपका कोर एक्सपैंड होता है बिकॉज बहुत जब आप वेट लिफ्ट करते हैं तो आपका कोर इन्वॉल्व होता है एंड उससे आपका कोर एक्सपैंड होता है. सो दैट्स वाई आई स्टॉप लिफ्टिंग हेवी वेट्स स्पेशली डेडलिफ्ट मैंने कम्प्लीटली क्विट किया बिकॉज ऑफ दैट रीज़न. एंड वैसे भी मुझे बैक उतनी ग्रो करनी नहीं है बिकॉज जेनेटिकली आई हैव अ लॉट ऑफ बैक मसल स्पेशली इन माई मिड बैक. सो दैट्स वाई आई अवॉइड डेडलिफ्ट बट आई लव दिस एक्सरसाइज वेरी मच. आज हम शूट के लिए लेट हो गए एंड स्लोली जिम क्राउडेड हो रही है एंड आई थिंक वी गोना फाइंड अ लिटिल बिट डिफिकल्टीज टू शूट. नंबर लगाना पड़ेगा अभी. डोंट वरी डोंट गेट कॉन्शियस. ठीक है आपके पास मेरा नंबर है. तुम आज डेडलिफ्ट नहीं कर रहे हो? और एक बंदा ऐड हुआ डेडलिफ्ट छोड़ दिया क्यों? डिस्प्रोपोर्शन ज्यादा है तो फिर क्या कर? मींस वो समझा नहीं मुझे. मतलब उससे ज्यादा बेनिफिट तो है नहीं तो फिर मैंने एक वर्टिकल दो हॉरिजॉन्टल और एक लोअर बैक दैट्स इट फॉर द. तो फाइनली वर्कआउट पैटर्न चेंज कर दिया ना बिकॉज उसमें ग्रोथ नहीं है एक ही पैटर्न से. एग्जैक्टली मैम इसलिए कंपाउंड लिफ्टिंग से ज्यादा थोड़ा अभी आइसोलेट पे फोकस कर. वेलकम टू द क्लब. या एक्चुअली इज राइट. अगर आपको ओवरऑल बॉडी ग्रोथ चाहिए ओवरऑल प्रपोर्शन चाहिए ओवरऑल मसल ग्रोथ चाहिए तो यू कांट स्टिक टू वन एक्सरसाइज. आपको वेरिएशन चेंज करने पड़ेंगे आपको एक्सरसाइज पैटर्न चेंज करना पड़ेगा. एंड ही इज़ सो यंग ही इज़ सो यंग एंड आई एम सो हैप्पी कि अभी के यंग बच्चे अभी के जो फिटनेस फ्रीक बच्चे हैं वो सब कुछ अपना रिसर्च करके आते हैं एंड ही आंसर दैट वेरी वेल व्हेन आई आस्क हिम कि आपने डेडलिफ्ट क्यों नहीं कर रहे हो बिकॉज मैं हमेशा देखती हूँ वो डेडलिफ्ट करता है सिर्फ डेडलिफ्ट. I'm thinking something. I'm planning to change the grip because we have a best grip. और ये grip Criticulture Gym को 3 साल हुए and I started my journey almost 6-7 years ago. And I think 2018 में मैंने started my journey in 2017 and I bought this grip in 2018. जबकि मेरी जिम भी नहीं थी तभी से मैंने ये मैक ग्रिप यूएस से ऑर्डर की है एंड इट इज़ अ वेरी 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 एक्सपेंसिव बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स. जब आप वेट पुल करते हो लाइक विद अ नॉर्मल बार तो जब आप हेवी वेट लेते हो डेफिनेटली आपके आर्म्स पे आता है डेफिनेटली आपके फोर आर्म्स जो है वो पम्प होते हैं रादर दैन मसल. बट दिस ग्रिप हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट व्हेन यू पुल आपके फोरआर्म टाइट नहीं होते वो कम्प्लीटली आपके मसल पे वर्क करता है एंड इट मैटर्स अ लॉट बिकॉज बिफोर आई बाइंग दिस ग्रिप मैं हमेशा जब वेट पुल करती थी तो मेरा फोरआर्म पंप होता था. बट जब से मैं ये ग्रिप यूज़ करती हूँ मोस्टली सारा वेट मैं अपने मसल से खींचती हूँ. So right now I need to change the grip but the problem is I'm a shorty और मेरा height बहुत कम है so bench पर चढ़ना पड़ेगा अभी. वो
हो गया। मेरे हर शूट में ये बंदा आता है। मेरे को बुलाया गया है क्या? इसको मैंने भाड़े पे रखा है हर मेरे वीडियो में आने के लिए। तुम जाओ दूसरा करो यार। आज मेरा बैक वर्कआउट है। तो बैक वर्कआउट में आप पहले हमेशा करते हो, इस बार तो तुम ये करो वो करो वो करो जाके। आप वहाँ दूसरा कुछ करके शट अप यू नॉनसेंस। हाँ तुम्हें यही क्यों करना है भाई? बहुत सेट है तो बेंट और जाके करो ना। भीड़ भीड़ का कुछ नहीं, तुम्हें मेरे फ्रेम में आना है बस, वो बोल दे तू ऑफिशियली। वन मोर सेट टू गो। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू इंक्रीज द वेट। आपको करना है? हो गया? सारे जो हैवी मोमेंट्स थे वर्कआउट के स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट सारे वेरिएशंस ख़त्म कर दिए। अभी जस्ट वन आर्म रो मैं करूँगी एंड उसके बाद जस्ट एक्सरसाइज वर्क फॉर द बैक मसल। बट इनिशियली हमेशा मैं वर्कआउट के स्टार्टिंग में ही जो हैवी मोमेंट्स है वो कर लेती हूँ बिकॉज एंड ऑफ द वर्कआउट वो उतनी एनर्जी सफिशेंट एनर्जी नहीं रहती है हेवी लिफ्ट करने के लिए। सो दैट्स वाई आई ऑलवेज कंपाउंड मोमेंट्स या जो हेवी लिफ्टिंग जो एनर्जी कंज्यूमिंग जो भी एक्सरसाइजेज है वो मैं वर्कआउट्स के स्टार्टिंग में लेती हूँ एंड देन एंड में जस्ट एक्सेसरी वर्क। एक्चुअली क्या हुआ इन बिटवीन जिम की म्यूजिक जो है वो बंद हो गई एंड जो भी मैं बोल रही हूँ वो सब मेम्बर्स सुन रहे थे तो आई जस्ट गॉट लिटिल बिट कॉन्शियस। ट्वेंटी के जी है डेफिनेटली और 20 kg ईच साइड आई एम गोइंग टू ऐड बट सिंगल हाथ से मैं खींचूँगी बिकॉज जब मैं दोनों हाथ से पुल करती हूँ तो हेवी वेट में स्पेशली मेरे नेक मसल जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड नेक्स्ट डे नेक में सोरनेस या टाइटनेस आ जाती है। सो दैट्स वाई इस मशीन के साथ मैं सिंगल हाथ सिंगल हाथ से मसल को पुल करना ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है मेरा। आई एम सो सॉरी। आधा एनर्जी तो वेट डालने में और वेट निकालने में चला जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो है दिमाग में चल रही है काम को लेके। श्रुति की एग्ज़ाम आ रही है जैसे आज श्रुति माय डॉटर शी इज़ इन 12th और जैसे उसे
अब्रॉड जाना है नेक्स्ट फर्दर पढ़ाई के लिए. सो आज काउंसलर आया था एंड उन्होंने बहुत सारे होमवर्क उसको दिया है लाइक पेपर वर्क रिलेटेड, उसके पढ़ाई रिलेटेड. सो देर आर सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन इन माई हेड राइट नाउ. बट द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज आई केम टू जून, आई एम वर्किंग आउट एंड आई एम फोकसिंग. सो दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आई थिंक लाइफ का दूसरा नाम ही अप्स एंड डाउन्स है एंड उसे आप किस तरह से ओवरकम करके आप आगे जाते हो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जस्ट फोकस ऑन योर ग्रोथ एंड नॉट जो ऑन गोइंग स्ट्रेस आपके लाइफ में, ऑन गोइंग इवेंट्स आपके लाइफ में चल रहे हैं. दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. इन योर फिटनेस जर्नी आपको आपकी फिजिक को लेके, आपको आपके बॉडी को लेके मैनिफेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगले 6 मंथ्स में, अगले 1 साल में आप कैसे दिखने वाले हो, आप कैसे दिखना चाहते हो, ये मैनिफेस्ट करना बहुत ज़रूरी है. विदाउट गोल आप जस्ट वर्कआउट कर रहे हो तो आई थिंक देर इज़ नो पॉइंट. यू आर जस्ट लिफ्टिंग वेट एंड एट द एंड जो आपको एक्सपेक्टेड है वो रिज़ल्ट नहीं आएगा. सो उसके लिए माइंड में मैनिफेस्ट करना कि आप सर्टन टाइम के बाद कैसे दिखने वाले हो, कैसे दिखना है, ये मैनिफेस्ट करना, ये इमेजिन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Done, done, not done. All right, guys. So that was all about back workout, and I hope you guys like it. Definitely subscribe to my channel and comment में मुझे बताइए कि आपको ये workout कैसे लगा. Next workout we are planning to shoot glutes variations and it is going to be amazing. अभी after workout what I exactly eat. वो मैं आपको दिखाऊंगी एंड होपफुली उसे आपकी फिटनेस जर्नी में आपको हेल्प हो जाए ग्रो करने में. थैंक यू. सो पोस्ट वर्कआउट आई ऑलवेज टेक 120 ग्राम ऑफ चिकन जो मैं खुद घर पे बनाती हूँ. आई नेवर डिपेंड ऑन बाई बिकॉज जो कैलोरी काउंट होता है वो हमेशा मिसमैच होता है बिकॉज वो ऑयल, वो ऑनियन, टमाटर, जो भी जितना भी आप स्टफ़ ऐड करते हैं आपके खाने में उसमें सब में कैलोरीज होती है. सो आई ऑलवेज कुक माय ओन मील. सो इट इज़ 120 ग्राम ऑफ चिकन एंड जनरली आई कैरी जास्मिन राइस ऑलमोस्ट लाइक 150 ग्राम. बट आज मैंने होम मेड घर पे राइस का, ओनली राइस का डोसा बनाया है एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 180 ग्राम डोसा. ऑब्वियसली राइस हम परफेक्टली मैच करके ले सकते हैं बट डोसा ऑब्वियसली थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है. सो 180 ग्राम डोसा एंड 120 ग्राम ऑफ चिकन एंड वेजीज आई एम गोइंग टू ईट लेटर ऑन. उप्स.
See you guys.